बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार हेल्दी चिकन सूप की रेसिपी दूंगी। इसे आप कॉर्न सूप भी कह सकते हैं और इसे आप चिकन सूप भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और घर में आप जब बनाते हैं तो काफ़ी हेल्दी बनता है। मार्केट से लेकर आते हैं तो वह हेल्दी नहीं होता है, वो सिर्फ केमिकल के ज़रिए ज़्यादा बनाया जाता है। तो इसे आज हम घर में बनाएंगे और घर में कितनी आसानी से बन जाता है, चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए 400 ग्राम और ये मैंने लिए थाइस के पीस, क्योंकि इसमें हड्डी लगी हुई है और हमें हड्डियों का ही सूप चाहिए। सबसे पहले हम हांडी में डालेंगे 2 खाने के चम्मच घी। देखिए मैंने मेल्टेड घी लिया है, सिर्फ 2 खाने के चम्मच हमें घी लेना होगा। चिकन डाल देंगे और चिकन के ही साथ हम डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। देखें गैस को अभी हम रखेंगे हाई, क्योंकि हमें इसके जूसेस बंद करने होते हैं और इसे हमें सोटे करना है। इसको इतना पकाना होगा कि इसका कलर चेंज हो जाए और गैस को अभी हमें हाई ही रखना होगा, बिल्कुल स्लो या मीडियम नहीं करेंगे। नमक अगर आप डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी चिकन हांडी में चिपकती नहीं है। देखें चिकन को हमने इतना फ्राई कर लिया है, कलर चेंज हो गया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना होगा। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। डेढ़ लीटर मैंने पानी डाला है और अभी हम चिकन को बॉईल करेंगे। देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि चिकन के अंदर एक खुशबू आती है, हीक आती है, नहीं पिया जाता है, तो आप इस तरीके से चिकन को जब थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं लहसुन अदरक के साथ तो इसकी हीक ख़त्म हो जाती है और ये और फ्लेवरफुल आपका सूप बन के तैयार होता है। तो थोड़ा सा आप चिकन को सोटे कर लें। इस तरह से अगर आप सूप बनाते हैं, कोई भी सूप बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है और चिकन की स्मेल भी नहीं आती है। अक्सर लोगों को चिकन की स्मेल पसंद नहीं होती है। चिकन के अंदर बॉयल आ गया है, अब इसे हम कवर कर देंगे। थोड़ा सा हम खुला रखेंगे और गैस को कर देंगे हम मीडियम और चिकन को पकने देंगे 20 मिनट करीब, ताकि अच्छे से स्टोक निकल कर आ जाए और चिकन भी गल जाए। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को बॉयल होते हुए और चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। चिकन को हम चिकन के जो पीसीस हैं इन्हें हम निकाल लेंगे। देखें तमाम चिकन हमने निकाल लिए, अब इस स्टोव को हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी होता है, गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि कोई हड्डी वगैरह छोटी हो तो सूप में अच्छी नहीं लगती है, इसको छानना ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम चिकन को जब बॉयल करते हैं कोई पीसीस होते हैं हड्डी वगैरह के, वो रह जाते हैं। और चिकन जो है इसको हम शेडिड कर लेंगे, इसकी हमें छोटे छोटे रेशे कर लेना है। साथ ही हम डालेंगे कुछ वेजिटेबल। 1 गाजर लिए छोटे पीसेस कर लिए, 1/2 प्याली कॉर्न लिए और 2 टेबल स्पून मैंने लिए बीन्स, छोटा कट कर लिया है। 1/4 कप से भी कम लिए मैंने बंद गोभी, सिर्फ छोटा छोटा कट कर लिया है। 1/2 मैंने शिमला मिर्च लिए, इसे भी छोटा कट कर लिया है। और बहुत छोटी सी मैंने ये प्याज ली है, बहुत छोटी सी है, अगर आप देखते हैं तो ये 2 टेबल स्पून से भी कम होगी। ये सब्जियां हैं जो हमें सूप में डालनी होंगी। अगर आपको मटर पसंद है तो आप मटर भी ले सकते हैं, आपको ब्रोकली पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, यानी सब्जियां आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हमें चाहिए होगा 1 अंडा। अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे और साथ ही हम डाल देंगे चिकन जो हमने शेडिड करी थी, चिकन का जो रेशा किया था ये भी डाल देंगे। नमक मैंने डाला है 1/2 टीस्पून, मुझे कम लगा था। टोटल मैंने नमक इसमें यूज़ किया है 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून डाली है काली मिर्च का पाउडर, मगर ये थोड़ी सी मोटी मोटी काली मिर्च होने चाहिए, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए, वरना आपका सूप काला भी हो जाएगा, सूप का कलर चेंज हो जाता है, यानी काले रुख पर आ जाता है। अब इस सब्जियों को और चिकन को डाल के हम एक बॉयल आने देंगे। देखिए बॉयल आ गया है, गैस को हम कर देंगे मीडियम से स्लो की तरफ, 10 मिनट कवर करके पका लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, थोड़ी क्रंची रहना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाए। 1.5 खाने का चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़े से पानी के साथ इसे हम हल कर लेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने पानी लिया है और अच्छे से हमें इसको हल कर लेना है कॉर्नफ्लोर को। 10 मिनट हो चुके हैं सूप को पकते हुए,
गैस को यहाँ हम थोड़ा कम कर देंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और जितना थिक आपको चाहिए आप उतना इसमें ले डाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा थिक नहीं करना होगा। अब गैस को हम कर देंगे मीडियम ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। कॉर्नफ्लोर डाल के भी हमें 3 से 4 मिनट पकाना होता है, वरना कॉर्नफ्लोर की खुशबू आती है तो अच्छा नहीं लगता है, सूप सारा ख़राब हो जाता है। आपने जब तक बॉयल ना आए थोड़ा चलाते रहें। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है सूप तो आप इसमें 2 चम्मच खाने के भी ले सकते हैं कॉर्नफ्लोर, वरना 1.5 खाने का चम्मच बिल्कुल परफेक्ट है। सूप ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर की तादाद ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अब बॉयल आ गए और मीडियम गैस पे इसे हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट ताकि अच्छे से कॉर्नफ्लोर पक जाए, वरना कच्ची स्मेल आती है कॉर्नफ्लोर की। देखिए इतना थिक काफ़ी है, मुझे ज़्यादा थिक नहीं करना है। और 4 मिनट करीब हमने इसको अच्छे से पका लिया है कॉर्नफ्लोर डालकर। अब इसमें हम डालेंगे अंडा, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें अंडा ऐड करते जाना है और इसको इस तरह से चलाते भी जाना होगा ताकि इसके लच्छे अच्छे से बने। एक हाथ से चलाते जाना है, एक हाथ से आप अंडा डालते जाएं। देखिए अंडा मैंने तमाम डाल दिया है, अंडा डाल के भी हमें इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है ताकि अंडा भी अच्छे से पक जाना चाहिए। और गैस को हमने मीडियम ही रखा है, अंडा डालकर भी हमने 3 मिनट पका लिया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और ये हमारा चिकन सूप बनके तैयार हो चुका है। मैंने हॉट सॉस, चिल्ली सॉस, वेनेगर कुछ नहीं डाला है। अक्सर घरों में चिल्ली सॉस और सोया सॉस नहीं होता है तो वो इस तरीके से ये सूप बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, हेल्दी बनता है। अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो आप जब सर्व करते हैं आप उस वक्त इन चीज़ों को रख सकते हैं, जिसको जैसा पसंद हो उस तरह से वो उसको आप सर्व कर सकते हैं।